लेट्स डिस्कस सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए, सेमीकंडक्टर्स नाम से हमें पता चलता है कि ये मेटल से कम कंडक्टर होंगे। अब डेफिनेटली इंसुलेटर तो कंडक्ट करेंगे ही नहीं। अब सेमीकंडक्टर्स एग्जैक्टली कौन है? ये वो मटेरियल्स है जिनके पास बैंड्स होंगे विथ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट मस्ट कंटेन बैंड्स विथ नो इलेक्ट्रॉन्स एंड एम्प्टी बैंड्स। तो वो लगभग सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। तो सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस विथ कंप्लीटली फील्ड विथ कंप्लीटली फील्ड बैंड्स विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीटली एम्प्टी एंड कंप्लीटली एम्प्टी बैंड बिहेव एज अ सेमी कंडक्टर्स। बिहेव एज अ सेमी कंडक्टर्स, याद रखना, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास फील्ड बैंड्स हो और एम्प्टी बैंड्स हो, वही सेमीकंडक्टर का काम करेगा। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो स्मॉल होता है, यानी एकदम ज्यादा नहीं होता, जिसको स्लाइटली हीट करके हम ओवरकम कर सकते हैं ताकि वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एक्साइट हो। सो इफ एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल देन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड कैन बी एक्साइटेड बाय स्लाइट हीटिंग। थोड़ा हीट करके आप एक्साइट कर सकते हो। ऑन एक्साइटेशन, एक्साइट होने के बाद क्या होगा? कंडक्शन बैंड हैज इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो डाउट। सो ऑन एक्साइटेशन कंडक्शन बैंड कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इन सेमी कंडक्टर इज लेसर देन दैट ऑफ मेटल्स, नो डाउट। मेटल में कंडक्शन बैंड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेमी कंडक्टर में कंपैरेटिवली कम। सो इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज लेसर देन दैट इन मेटल्स। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर फॉर एग्जाम्पल इन विच आउटर मोस्ट 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स आर वैकेंट। याद रखना, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, सिलिकॉन इज अ सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर विच कंटेन वैकेंट 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स। इसके पास 4s और 3d ऑर्बिटल्स जो है वैकेंट होते हैं। सिमिलरली जर्मेनियम भी सेमी कंडक्टर है। सिमिलरली जर्मेनियम
जर्मेनियम, एज, अल्सो, अ सेमी कंडक्टर। हावेवर हावेवर इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड टू कंडक्शन बैंड, टू कंडक्शन बैंड बाय एडिंग इम्प्यूरिटी, बाय एडिंग इम्प्यूरिटी लाइक आर्सेनिक विथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, विथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू सिलिकॉन क्रिस्टल। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स में उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के हिसाब से हम लोग इंप्यूरिटी को ऐड कर सकते हैं, उस चीज को कहना चाहिए डोपिंग। अगर सिलिकॉन में हम आर्सेनिक को ऐड करते हैं एज एन इंप्यूरिटी, तो आर्सेनिक के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन के 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है आर्सेनिक के पास। तो अब जब इसको हम ऐड करेंगे एज एन इंप्यूरिटी, तो दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स गो इन टू कंडक्शन बैंड विच मेक्स सिलिकॉन कंडक्टर, याद रखना। सो 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स ऑफ आर्सेनिक, आप आर्सेनिक गो इनटू कंडक्शन बैंड ऑफ सिलिकॉन, दस इट बिकम्स कंडक्टर। इसलिए सिलिकॉन जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अब आप लोग इंप्यूरिटी कौन सी ऐड कर रहे हो, उस बेसिस पे सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स बताए जा सकते हैं। सो लेट्स हैव टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर के टाइप्स इंप्यूरिटी के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। अब देखिए एन टाइप सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर हम हमारे सेमी कंडक्टर के अंदर ऐसी इंप्यूरिटी को ऐड करें जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वैलेंस शेल में हमारे सेमी कंडक्टर के मुकाबले, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस शेल में, और अगर हम आर्सेनिक को उसमें डोप कर दे यानी ऐड कर दे, तो जो सेमी कंडक्टर प्रोड्यूस होगा उसे आप एन टाइप सेमी कंडक्टर बोल सकते हो। सो सेमी कंडक्टर, यहां पे हम बताएंगे सेमी कंडक्टर विथ इंप्यूरिटी, विथ इंप्यूरिटी हैविंग एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंप्यूरिटी, ऑफ इंप्यूरिटी एटम इज नोन एज एन टाइप सेमी कंडक्टर, उसको एन टाइप सेमी कंडक्टर कहना चाहिए। इसके एग्जाम्पल में हम लोग बता सकते हैं सेमी कंडक्टर ऑब्टेन बाय एडिंग आर्सेनिक टू सिलिकॉन। सो सेमी कंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग आर्सेनिक टू सिलिकॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब एन टाइप के बाद दूसरी वेराइटी आती है पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब पी टाइप सेमी कंडक्टर में क्या होता है
जैसे मान के चलो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें हम बोरॉन की इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं। बोरॉन कंटेन्स जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, यानी सिलिकॉन के मुकाबले बोरॉन के वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे किस्म की इंप्यूरिटी को ऐड करके जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग इम्प्यूरिटी, बाय एडिंग इम्प्यूरिटी विथ 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन सेमीकंडक्टर, देन व्हाट सेमीकंडक्टर, यानी जो भी हम लोग लेंगे। अब इसके एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग बोरॉन टू सिलिकॉन। सो इट वॉज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर।